सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जब राम जन्मभूमि का रास्ता साफ किया कि उस पर मोहर लगाई, तो उन्होंने रामचरितमानस, स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण को लेकर कई सारे उनके श्लोकों का उदाहरण भी दिया और साफ तौर पर जो उन्होंने परिच्छेद में जो लिखा उसमें राम जन्मभूमि की महत्वता, उसकी ऐतिहासिकता, उसके प्रामाणिक जो श्लोक थे उनका उदाहरण दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उन श्लोकों का अर्थ जानने के लिए स्वामी अतुल कृष्णदास जी। अतुल जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उन श्लोकों पर मोहर लगाई जो ऐतिहासिक महत्व के रहे हैं, जन्मस्थान के रहे हैं, अगर उन श्लोकों का अर्थ हम जाने तो किस तरह से आप बताएंगे क्या उनका अर्थ है, क्या महत्व है? सबसे पहले तो जय सियाराम। जय सियाराम। और समस्त देशवासियों के हमारे इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कई तथ्य रखे हैं, कई श्लोक दिए हैं, उसमें से कुछ ही श्लोक मैं सुना रहा हूँ। इसमें से एक श्लोक यह महत्वपूर्ण है जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया है, तस्मादस्थानति ईशान्ये राम जन्म प्रवर्तते जन्म स्थानमिदं प्रोक्तं मोक्षादि फल साधनम। उन्होंने कहा कि ईशान, ईशान माने पूर्व और उत्तर का जो कोना है ईशान भाग में, बोले वहां पर राम जन्मभूमि निश्चित है, वहां निश्चित है। और किससे पूर्व, किसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में है, और बोले कि वह जो जन्म स्थान है उसका एक बार भी अगर कोई व्यक्ति दर्शन करता है, स्पर्श करता है, वहां पहुंचता है, तो पहुंचने के बाद में मिलता क्या है कि मोक्षादि फल साधनम, इसमें उसे मुक्ति मिलती है। मुक्ति का मतलब है, मुक्ति कई प्रकार की होती है, जैसे साइज मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, सारूप मुक्ति, कैवल्य मुक्ति, ये ढेर सारी मुक्तियां हैं। जो मोक्ष कहा जाता है जिसे कैवल्य मुक्ति कहा जाता है, मतलब यह है कि आवागमन के चक्करों से वह मुक्त हो जाए। बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ना, किसी भी माँ के गर्भ में जाना, अगर जीव चाहे वह किसी कुत्ता, बिल्ली, गधा, किसी भी योनि में जाता है या मनुष्य की योनि में जाता है, तो वह जन्म लेते समय और मरते समय अपार कष्ट को सहन करता है, लेकिन उस समय वो व्यक्त नहीं कर सकता है। न तो जन्म लेने वाला बालक आपसे कुछ बता सकता है और न ही मरने वाला कुछ बता सकता है। इसीलिए कहा गया है कि भगवान राम के इस दिव्य जन्मभूमि का दर्शन करने मात्र से ही उसे मुक्ति मिल जाती है। जन्मभूमि के महत्व को समझाया गया और एक ऐतिहासिक प्रमाण, ऐतिहासिक प्रमाण दिया है। और फिर उसके बाद बताया कि जन्मादि मोक्ष फल साधनम, उसमें जो साधन चतुष्ट है, अब ये बड़ी बात है, थोड़ी से संक्षेप में कहूं कि जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चार पुरुषार्थ हमारे हैं, वो चारों पुरुषार्थ भी हमें आपको मिलते हैं। इस प्रकार से बोले कि विघ्नेश्वरात पूर्व भागे वासिष्ठाद उत्तरे तथा लौमशाद पश्चिमे भागे जन्म अस्थानम ततः स्मृतम। इसमें यह है कि पूर्व भाग में भगवान गणेश का एक मंदिर है, जब आप लोग यहाँ घूमेंगे, अयोध्या का दर्शन करें, अयोध्या का खोज करेंगे, तो आठ महादेव हैं, जिसमें सबसे प्रमुख नागेश्वर नाथ हैं, चंदेश्वर नाथ हैं, अनेक, और पूरे अयोध्या एक अष्ट कमल जैसे है, और उसके मध्य में यह जन्मभूमि है, उसी अष्ट जन अष्ट कमल के मध्य में जन्मभूमि है। और उसमें यह जो बताया गया कि पूर्व भाग में भगवान गणेश का मुख्य मंदिर है, और पश्चिम, और फिर उसके बाद उत्तर में, उत्तर में वशिष्ठ जी का आश्रम है, अभी जब आप खोजेंगे तब पता चलेगा ना कहाँ क्या है, और पश्चिम भाग में लोमस ऋषि का आश्रम है, और उसके मध्य में जो है वही जन्मभूमि है, जिस जन्मभूमि के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति के सारे दुख सुख, दुखों से निवृत्ति होती है और सुख और शांति की प्राप्ति होती है। अच्छा, यह जन्मभूमि और कैसे निश्चित हुई? उसमें यह है कि एक बार प्रयागराज, तीर्थों के राजा प्रयागराज, वह भगवान के पास पहुंचे, नारायण के पास पहुंची, बोले कि प्रभु आपने तो मुझे तीर्थों का राजा बना दिया है,
और सभी लोग प्रयागराज त्रिवेणी में आते हैं, स्नान करते हैं और स्नान करने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सारा पाप हमें लगता है और हम उस पाप के प्रभाव से काले पड़ जाते हैं। तो हमारी मुक्ति कैसे होगी? लोगों को मुक्ति तो हम कर देते हैं लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो भगवान ने कहा कि आप जिस दिन मेरा जन्म उत्सव अयोध्या में मनाया जाएगा, जे ही दिन राम जन्म सुरति गावहीं तीर्थ सकल तहां चली आवहीं। बोले कि सारे तीर्थ उस समय श्री अयोध्या धाम में होते हैं। बोले कि आप उस दिन आना और सरजू स्नान करना और सारे पापों से आपकी मुक्ति हो जाती है। तो एक बार विक्रमादित्य, महाराज विक्रमादित्य, वह तीर्थों का भ्रमण करते हुए श्री धाम अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद उन्होंने सबसे पहले सरजू जी के किनारे बैठ करके यह विचार कर रहे थे कि भगवान श्री राम की वह जन्म भूमि कहाँ है, जहाँ पर वह पैदा हुए थे, जिस गर्भ के द्वारा जिस गृह में पैदा हुए। आ तो कुछ है नहीं, कोई अवशेष नहीं, चारों तरफ खंडहर पड़े हुए हैं, मैं किसको मानूं? यह विचार कर रहे थे तभी प्रयागराज जी एक काले घोड़े पे बैठे और काले पुरुष के रूप में आए। सरजू जी किनारे गए, सीधे सरजू जी में प्रविष्ट हो गए घोड़े सहित। अब उनको लगा कि यह कौन सा पुरुष था जो घोड़े के रूप में घोड़े पे बैठ कर आया, काला पुरुष और मुकुट धारण किए हुए, लेकिन वो तो सरजू जी में चला गया, मैं कुछ से पूछ नहीं पाया। यह विचार करने लगे तभी कुछ देर के बाद देखा कि एक पुरुष बाहर निकल रहा है घोड़े सहित और वह बिल्कुल स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण किए हुए हैं, मुकुट चमचमा रहा है, उनका काला घोड़ा भी सफेद हो गया, वह गौरांग हो गए। जैसे बाहर निकले विक्रमादित्य जी दौड़कर उनके चरणों में गिर गए कि प्रभु आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, आप कोई मनुष्य नहीं हो, आप तो कोई देव हो, आप मुझे यह बताओ आप कौन हो और आप काले रूप में प्रवेश हुए, सफेद रूप में कैसे आए? तब उन्होंने सारी घटना बताई कि भगवान ने मुझे यह आदेश दिया था जिसके कारण हर नवमी पर मैं यहाँ आता हूँ और आने के बाद मैं यहाँ आता हूँ और आने के बाद मैं अपने पापों को यहाँ छोड़ देता हूँ, भगवान हमारे पापों का शमन कर देते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ये बताओ, तब तो आपको मालूम है भगवान का जन्म स्थान कहाँ है, आप मुझे वो बताओ कि जन्म स्थान कहाँ है। तब उन्होंने कहा कि आप जाओ और देखो एक कपिला गौ है, कपिला गौ सहस्राणी यो ददाति दिने दिने तत्फलम समवाप्नोति जन्म भूमे प्रदर्शनात्। एक गौ है, वह कपिला गौ है, वह नित्य अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा करती है। आपको जो गाय यहाँ दिखाई पड़े परिक्रमा करते हुए, चुपचाप हो जाती है शांति में और अत्यंत सुंदर हृष्ट पुष्ट गौ है, आप उसके पीछे जाना और वह पहले परिक्रमा करेगी, पंचकोशी परिक्रमा करेगी और पंचकोशी परिक्रमा करने के बाद में वह सीधे जाकर जहाँ खड़ी हो जाएगी और उसके चारों थन से अपने आप दूध की धारा वहाँ प्रकट हो जाए, तो वह नित्य ठाकुर जी के उस जन्म भूमि का अभिषेक करती है, समझ लेना कि वही जन्म भूमि है। और विक्रमादित्य उस कपिला गौ के माध्यम से उस जन्म भूमि का पूरा वर्णन, हाँ पूरा वर्णन किया गया। और विक्रमादित्य जी उस गाय के पीछे पीछे परिक्रमा किए और वह गाय जैसे जन्म भूमि के पास पहुंची, जहाँ जन्म भूमि है वहां जाकर जैसे खड़ी हुई, उसके चारों थन से अपने आप दूध की धारा प्रकट हो गई और ठाकुर जी के मस्तक को, उस स्थान को ठाकुर जी का मस्तक माना गया है, और वहां पर उस गाय ने भगवान का अभिषेक किया। विक्रमादित्य ने गौ माता का भी दर्शन किया, उनके चरणों में लेट करके प्रणाम किया और वहीं पर विक्रमादित्य जी ने विशाल भव्य रघुनाथ जी का मंदिर बनाया था, जिस मंदिर के अवशेष खुदाई पुरातत्व विभाग वालों के माध्यम से आप, और वही अवशेष ऐतिहासिक सबूत के तौर पर सबूत के रूप में वो सामने आए हैं। अभी ढेर सारे इतिहास हैं, जब खुदाई हुई तो उसमें इतना एक विशाल नींव मिला जिसमें यह देखा गया कि कोई बहुत भव्य यहाँ पर मंदिर था, क्योंकि मंदिर का निर्माण शैली अपनी अलग है, मस्जिद की निर्माण शैली अलग है, तो सबकी अपनी अपनी अलग है। यह रघुनाथ जी की कृपा है। जय सियाराम। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अतुल जी, आपका इस पूरी जानकारी के लिए कि आपने किस जो श्लोकों का उद्धरण सुप्रीम कोर्ट ने किया, आपने उनका अर्थ हमारे टीवी के दर्शकों को बताया, और इसके अलावा भी बहुत सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की। तो आज एक अंतिम सवाल कि श्लोक और उदाहरण जो चौपाइयों के थ्रू बताया, सारे रामचरितमानस का लिया, स्कंद पुराण का लिया, इसके अलावा आप किस तरह से इस पूरे फैसले को देखते हैं और अयोध्या भव्य राम नगरी बनेगी, विकास के नाते कितना काम? देखिए, अयोध्या में पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका जो फैसला है वह वास्तविक रूप से ऐतिहासिक और निष्पक्ष है। रही बात जैसे मुसलमान पक्ष को उन्होंने 5 एकड़ जमीन दिया, ठीक है, कुछ संतोष के लिए उनको दिया, और नहीं भी देते तो कुछ गड़बड़ नहीं था हमारे हिसाब से, जहाँ तक हमारी मानना है। और रही राम जन्मभूमि की विकास, आप लोग विकास विकास की जब बात करते हैं तो मुझे ये लगता है कि विकास तो जब से योगी सरकार आई है, आप अयोध्या की गलियों को देख रहे हैं, जहाँ पर एक रोड ठीक से नहीं थी, अभी बहुत विकास बाकी है अयोध्या में, लेकिन फिर भी योगी सरकार ने बहुत कार्य किया है। और जिस दिन यह मंदिर निर्माण शुरू होगा तो कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, और कितने लोगों का व्यापार बढ़ेगा, देश से विदेश से हर जगह से लोग यहाँ आएंगे। जब लोग आएंगे और आने के बाद दर्शन करेंगे, पर्यटक स्थल यहाँ बढ़ेगा, कई कुछ यहाँ होगा, तो अयोध्या का ही विकास होगा कि किसी दूसरे देश का विकास होगा। तो क्या कोई भगवान राम के लिए कोई भजन या चौपाई जो आप सुनाना चाहेंगे? मैं तो प्रभु श्री राम जी के लिए क्या बोलूं, केवल एक ही शब्द में बोलता हूँ, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और जय श्री राम का नारा लगाने के साथ ही काफी खुश हैं, प्रफुल्लित हैं, क्योंकि जो भगवान राम की महिमा है वो सबके सामने आई, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन श्लोकों का जो सालों से सदियों से जन जन के मन में है उनको ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक प्रूफ मानते हुए उनका उदाहरण दिया। कैमरामैन अविनाश के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पर कहा है कि जो विवादित जगह है जहां पर कई सालों से मुकदमा चल रहा था, वहीं पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा। हालांकि मुसलमानों को अलग से 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी जाएगी, लेकिन इस दौरान जो ऐतिहासिक सबूतों का उन्होंने उल्लेख किया वो रामचरितमानस, स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण के कई श्लोकों का उन्होंने उदाहरण दिया, और जो परिच्छेद में जो उन्होंने अपना फैसला लिखा उसमें साफ तौर पर उन चौपाइयों का, श्लोकों का उल्लेख साफ तौर पर किया गया। इस पर बातचीत करने के लिए, उन श्लोकों का अर्थ बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी अतुल कृष्णदास जी, जिनसे हम जानेंगे कि जो श्लोक है उनकी महिमा क्या है, राम नाम की महिमा क्या है, जो जन्म स्थान के बारे में जो सबूतों के तौर पर जो श्लोक बताए हैं सुप्रीम कोर्ट ने उनका अर्थ क्या है। स्वामी जी, जय श्री राम। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।